फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं राधे द मोस्ट वांटेड भाई से और क्या कहना है इनसाइडर का फिल्म के बारे में। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई की। चलो इससे पहले बात करते हैं थोड़ी और सारी फिल्मों की। वैसे तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा जो बॉक्स ऑफिस है हमारा बिगड़ चुका है, मार्कशीट की तरह एकदम तहलका मचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई सागा, रूही, साइना बायोपिक और संदीप और पिंकी फरार भी ये फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। कोविड-19 की लहर के साथ साथ अब ये फैसला हो रहा है कि क्या सलमान खान की राधे द मोस्ट वॉन्टेड भाई थिएटर में आएगी कि नहीं आएगी। तो वो अभी इसमें फैसला कर रहे हैं, यानी कि सलमान खान प्रोड्यूसर मेकर्स, कि ये फिल्म हम थिएटर में रिलीज करें कि नहीं करें। इसके अलावा हम बात करेंगे जब तक कि वो फैसला करके आते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इस फिल्म में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है और इसके इनसाइडर का क्या कहना है फिल्म के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वॉन्टेड भाई में होने कौन कौन वाला है। तो नंबर वन पर सलमान खान है, दूसरे नंबर पर रणदीप हुड्डा है और तीसरे नंबर पर दिशा पाटनी है। ये तीनों दोस्त की कहानी होने वाली है इस फिल्म में। और इस फिल्म में आपको बता दूं कि बहुत सारा लव, फ्रेंडशिप, बेट्रेयल और बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों के बीच में, वो सारी प्रॉब्लम इस फिल्म में दिखाई जाएंगी और पैसा कमाया जाएगा। कोरियन ड्रामा सैंड आर का ये फिल्म सीक्वल होने वाली है, इंस्पायर्ड होने वाली है। और इसी को देखकर सलमान खान ने सोचा कि क्यों ना हम इसे हिंदी में बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं, जिसकी वजह से सलमान खान ने कहा कि मेरे फैंस जो हैं वो 25 एपिसोड नहीं देखेंगे, वो 3 घंटे में पूरी फिल्म देख लेंगे। तो उन्होंने ये पूरी फिल्म बना दी। आपको बता दूं कि इस फिल्म में सलमान खान का डांस, आपको बहुत सारे उनके यूनिक एक्शंस और बहुत ज़्यादा भारी भरकम में डायलॉग मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म में कॉमेडी भी होने वाली है, एक्शन भी होने वाला है और अगर सलमान खान बुरा नहीं करते हैं तो डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि सलमान खान ने यही दावा किया था ट्यूबलाइट में भी। लेकिन ट्यूबलाइट देखकर लोगों की ट्यूबलाइट एकदम विस्फोट हो गई और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस और कहीं पर भी नहीं चली। यहाँ तक कि सलमान खान ने वो फिल्म दोबारा देखी ही नहीं। तो अगर ट्यूबलाइट जैसा कुछ नहीं होता है तो सलमान खान की राधे द मोस्ट वॉन्टेड भाई काफी हिट हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि कोरियन ड्रामा में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया गया था, तो अगर सलमान खान इतनी सी भी गुस्ताखी करते हैं ना वो पॉलिटिकल ड्रामा दिखाने की, तो ये फिल्म कहीं बैन ना हो जाए। आपको बता दूं कि कोरियन ड्रामा में बहुत ज्यादा इंटीमेट सीन भी दिखाए गए थे जो लोगों को बहुत पसंद आए थे। और सलमान भाई तो फैमिली वाले भाई हैं, मतलब वो अपनी फिल्मों में जरा सा किस वगैरह भी नहीं करते, मतलब बहुत धार्मिक टाइप के इंसान है। और उनकी फिल्में हर तरीके के लोग देखते हैं, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक हर तरह के जी कैटेगरी वाले लोग देखते हैं, मतलब बाबूजी से लेकर मेरे प्यारे लाल जी तक, जिसकी वजह से सलमान खान ने इस फिल्म में भी किस करने का फैसला नहीं किया है। तो आपको पूरी तरीके से यह फिल्म साफ सुथरी नजर आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कोई अपनी फैमिली को फिल्म दिखाना तो 13 मई को ये फिल्म दिखा सकते हो जो आने वाली है थिएटर्स में, अगर ये फिल्म आगे नहीं पोस्टपोन होती है तो। इसके अलावा इनसाइडर ने यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वही कही है कि सलमान खान की ये फिल्म बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जब ये फिल्म का टीजर रिलीज होगा, सॉरी ट्रेलर, टीजर तो काट दिया गया है, नहीं अब इसकी वजह तो ये बताई गई है कि बहुत टाइम हो गया है, अब 13 मई को फिल्म आ रही है तो क्या टीजर और ट्रेलर रिलीज करें। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करेंगे। तो जब ट्रेलर आएगा तो पता चल जाएगा कि सलमान खान की फिल्म कितनी ज्यादा पानी में। फिलहाल तुमको क्या लगता है कि क्या सलमान खान की ये सारी मेहनत और मशक्कत क्या फिल्म में दिखने वाली है? क्योंकि सलमान खान से जब पूछा गया कि आप जब भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं कुछ और देखता ही नहीं हूँ, मैं जब स्टोरी सुनता हूँ तो बस मैं इमेजिन करता हूँ क्या मैं उस फिल्म में अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, दैट्स इट। और उनको अगर वो फिल्म विजुलाइज हो जाती है, समझ में आ जाती है तो वो फिल्म कर लेते हैं। वैसे इसीलिए तो सलमान खान को सलमान खान कहा जाता है, वो कोई भी चीज़ सलमान कर सकते हैं, आई मीन सेल कर सकते हैं मैन, ये कहने का मतलब था मेरा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुमको लगता है कि सलमान खान की राधे द मोस्ट वांटेड भाई हर तरीके के रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों, उसकी वजह बताना ज़रूर, क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।